नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, मेरे बार बार कहने के बाद भी आप लोग बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आपकी धोखे से फिल्म बन गई, उसके बाद आपकी गलती की वजह से आपकी फिल्म को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का मतलब मैंने आपको बताया किस किस तरीके से अपलोड हो सकती है। कल एक भाई का फोन आया, भाई कह रहा है कि उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी गई है और लिंक भी भाई ने मेरे पास भेजा, वीडियो हम उसकी हटवा देंगे। पर मेरा जो सवाल है वो आप लोगों से है। हम बार बार आपसे कहते हैं जब आपकी धोखे से फिल्म बन जाती है तो उस समय आप उनसे बातचीत कीजिए, ठीक है। बातचीत कैसे करनी वो उसका तरीका भी हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। भाई की वो धोखे से फिल्म बनी थी, वो इंस्टाग्राम पर डाल दी उसने सेम डे, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या था, भाई उसका फोन नहीं उठा रहा था, ठीक है। और शुक्र करो कि भाई के मतलब कि जो इंस्टाग्राम के जो फ्रेंड लिस्ट थे उनके पास भी भेज सकता है यार वो, जब इस तरीके की हरकत आप करेंगे तो। आप पहले उनसे डर के बात करते हैं, फिर अचानक से अपना नंबर बंद कर लेते हैं, या फिर उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में भाई उनको गुस्सा आता है, उनको गुस्सा कब नहीं आता है। आप उनका फोन उठाइए, उठाकर उनको अच्छे से गलिया दीजिए, ठीक। आप उनको एहसास करवा दीजिए घंटा हम आपसे नहीं डरते और हम आपको एक फूटी कोड़ी नहीं देंगे। आप अगर इतनी सी बात उनको समझाने में कामयाब हो गए तो आपकी फिल्म सेम डे डिलीट हो जाएगी, गारंटी मैं ले रहा हूं। पर ये गलती आप कब तक करते रहेंगे यार। आप उनका हौसला बढ़ा रहे हैं ऐसा करके, उसके बाद आप कंप्लेंट भी फाइल नहीं करते हैं। जब तक आप कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी। फिर आप कहेंगे कि सर आप तो कहते हैं इंस्टाग्राम पर अपलोड नहीं होती। जी नहीं होती है, पर उसमें मान लीजिए अगर वो आपका चेहरा चेहरा भी दिखा देते हैं और लड़की वाला हिस्से को ब्लर कर देते हैं और फिर अपलोड करते हैं तो अपलोड हो जाती है। तो उससे बचने का तरीका यह है कि वहां तक उनको पहुंचने ही ना दे। अगर वहां तक वो पहुंच गए तो कंप्लेंट फाइल करवाइए आप। आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई होगी, आपको जो कंप्लेंट को डील करेगा वो नंबर आपको मिल जाएगा पुलिस वाले का, उनसे बात करें आप। मेरे भाई आज की डेट में जो कंप्लेंट फाइल आप लोग कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं पुलिस के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, वो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पर एक स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा ना, या तो हम शुरुआत में जो आपको बता रहे हैं वो कीजिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि साला आपके पीछे छोड़ ही नहीं रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी तरफ से कोई भी हेल्प हमारे फोन पे गूगल पे नंबर पे करके हमसे मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी भाई बहुत से भाइयों को दिक्कत होती है भाई, दिक्कत जब आप वहां इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो को डिलीट करवाने के लिए और फिर भी आपकी वीडियो डिलीट नहीं होती है। हम तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अपनी खुशी से जो भी आप करना चाहें हमारी मदद वो कीजिए, आपकी मदद हम करेंगे। और हम तो ये चाहते हैं हम तक आप आओ ही ना, हम जो वीडियो में बता रहे हैं वही चीज आप फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी यार, और वो चीज भी आप ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कल भाई के साथ हुआ, उसमें शुक्र मनाइए कि अब ये लोग करने क्या लग गए, ये लोग नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं और वहां पर आपकी वीडियो को मैं कुछ काट छांट करके अपलोड कर देता हूं। अब इंस्टाग्राम के जो गाइडलाइंस हैं उनमें जो आपका बॉडी के कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो लड़कियां दिखा सकती हैं उसमें, क्योंकि वो एज ए मतलब जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं जो मदर, इस तरह के वीडियोज अलाउ है इंस्टाग्राम पे डालना, तो ऐसी चीज का वो वहां तक का हिस्सा काट के आपका डाल देते हैं, डल जाता है। अब अगर आप उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे तो उनको डर कैसे लगेगा, ठीक है। वीडियो तो चलो हम डिलीट करवा देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, इशू है ही नहीं भाई, वहां तक जाने क्यों देना उनको है? मेरा भाई एक चीज को आप समझिएगा, धोखे से फिल्म बनाने वाले जब आपकी फिल्म बनाते हैं तो एक तरह से आपके ऊपर अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब कोई भी इंसान कोई भी चीज पे कोई किसी भी काम में कुछ भी अपना समय अपनी मेहनत इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न लेने के लिए करता है वो, ठीक है। तो वो तो मेहनत कर रहा है, फिल्म बना रहा है तुम्हारी और अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है, उसको मिला क्या। जब मिलने का समय आया तब आपने उनसे बात करनी बंद कर दी, या आपने उनको असमंजस में रखा। या तो आप क्लियर कीजिए कि हम आपको फूटी कोड़ी नहीं देंगे, या फिर अच्छे से गलिया दीजिए। ये इग्नोर करने वाली जो आप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ये आपको फंसवा सकती है, मैं सीधा बता रहा हूं। उनसे बिना बात किए देखिए, कई बार ये होता है कि आपसे वो कई बार एक बार आपको कॉल करते हैं फिर 3-4-5-10 दिन तक कॉल नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में वो लगभग कॉल करते ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उनको जब जो भी करना है वो शुरुआत के 2-3-4-5 दिन में ही वो कर लेते हैं। तो वो आपकी किस्मत है कि आपके पास एक बार कॉल करने के बाद ही पीछा छोड़ देते हैं, वो कई बार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसा ज्यादातर मामलों में नहीं होता। मान लीजिए कि उस भाई की इंस्टाग्राम फ्रेंड भी उसके पास है, उनके पास भी भेज सकता है वो,
भाई के ऊपर दबाव बनाने के लिए। तो आप उस स्थिति में अपने आप को लेकर जाते ही क्यों हैं जहां से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है? ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां से नहीं निकल सकते, उसके बाद भी निकल सकते हैं। यार हम आपके लिए इतनी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, एक चीज आपको बार बार कह रहे हैं, फिर भी आप लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई बिना बात किए अपना नंबर बंद मत करना, बिना बात किए उनको इग्नोर मत करना, बिना बात किए उनका फोन उठाना बंद मत करना। एक नंबर आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है व्हाट्सएप तो चालू रखिए ना, फोन है वहां उठाइए, वहां उनको गलिया दीजिए। भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या यार यही चीज फॉलो होती है फेसबुक के वालों के ऊपर, आपके फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट उनके पास है और आप उनको बिना बताए उनका नंबर अपना नंबर बंद कर लेते हैं, या फिर उनको बिना गलिया है उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेज सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है यार इसमें। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि फोन हमेशा उनका उठाएं, उठाने के बाद उनका जो इलाज है परमानेंट इलाज, उनको गलिया के ही आप उससे बाहर निकल सकते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी मदद भेजकर हमसे मदद पा सकते हैं। आपको गारंटी से पूरे मैटर से बाहर हम निकालें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।